जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पहले मैच का तो आप लोग मज़ा ले ही रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा दूसरा मैच जो आईपीएल का है वो 24 मार्च को दिन में 3:30 बजे से जो कि खेला जाएगा, आप सबकी दो बहुत ही फेवरेट टीमों के बीच। जी हाँ, एक तरफ होगी दिल्ली कैपिटल्स और दूसरी तरफ होगी पंजाब किंग्स। तो उसकी वीडियो आपको पहले ही मिल जाए तो मैंने कहा बढ़िया। रात को जो SRH और KKR का मैच है, मैंने कहा उसकी वीडियो तो सुबह या दिन तक भी चलेगी। तो बात करेंगे दोनों टीमों के बारे में, क्या दोनों की प्लेइंग 11 रहने वाली है, क्या पास हिस्ट्री है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं दिल्ली, क्योंकि मैं खुद दिल्ली का निवासी हूं और साथ ही साथ दिल्ली को सब लोग वैसे भी हर जगह ही पसंद करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो ओपनिंग करेंगे भारत के बहुत ही चहेते डेविड वार्नर, जो कि वैसे तो ऑस्ट्रेलियन है लेकिन भारत उन्हें बहुत पसंद करता है। साथ में पृथ्वी शॉ, जो कि भारत के एक उभरते सितारे थे लेकिन टीम में कुछ जगह नहीं बना पाए अपनी कुछ कमियों के चलते, और साथ में लक ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन कल को ज़रूर बड़े खिलाड़ी बनेंगे। लेकिन अगर बड़ा खिलाड़ी बनना है तो यहाँ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। नंबर 3 पे मिचेल मार्श बहुत ही अच्छी फॉर्म में, और ऑस्ट्रेलिया के T20 के कप्तान है, और इसको एक तरीके से प्रैक्टिस की तरह लेंगे IPL को वर्ल्ड कप के लिए, तो बहुत अच्छा खेलेंगे। नंबर 4 पे वापसी करेंगे, लगभग मैं बात करूं 1.5 साल के बाद, हम सबके 1.5 साल तो नहीं कहूंगा, लगभग कहूंगा 1.25 साल 15 महीने, यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत, जो कि होंगे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान। तो आप मैं सभी, अगर IPL 2024 की बात हुई है तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अगर किसी को देखने के लिए थे तो यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत थे। 5 पे आएंगे मुझे लगता है ललित यादव, क्योंकि बल्लेबाजी करते हैं। 6 पे ट्रिस्टन स्टब्स, क्योंकि वो अच्छे हार्ड हिटर हैं। 7 पर अक्षर पटेल, फिर 8 पे कुलदीप यादव, 9 पे एनरिच नॉर्डिया, जो कि बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। फिर अपना मैं बात करूं खलील अहमद, मुकेश कुमार और कुमार कुशाग्र। तो अब दोस्तों, बात शुरू करने वाली ये है कि दिल्ली की ताकत क्या क्या है। देखिए, पावर रेटिंग बहुत ही तगड़ी है, वार्नर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, साथ ही साथ बल्लेबाजी भी ये लोग संभाल ही लेते हैं सारी। और ललित यादव नीचे बहुत अच्छी पारी संभालते हैं और फिनिश करते हैं। अक्षर पटेल नीचे बहुत अच्छा फिनिश करते हैं। हार्ड रेटिंग नीचे ट्रिस्टन स्टब्स भी कर लेंगे, तो ये सारी है। स्पिन डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में, इंग्लैंड के सामने टेस्ट सीरीज जितवा के आए हैं। नॉर्डिया बहुत अच्छे बॉलर हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को लगातार अच्छी जगह पर पहुँचाया भी है। लेकिन कमी दोस्तों बाकी है, मुकेश कुमार या फिर मैं बात करूँ कुमार कुशाग्र या फिर खलील अहमद, ये तीनों बहुत रन लीक करते हैं। और मैं अगर बात करूं कुमार कुशाग्र के बाद तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, और खलील और मुकेश कुमार के पास एक्सपीरियंस होने के बावजूद रन बहुत लीक करते हैं। तो अगर आप दिल्ली के बॉलर्स देखें तो अच्छी बात है कि आप भाई नॉर्जिया, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल तीन बॉलर बढ़िया है। इवन आप मिचेल मार्श या ललित यादव से मदद ले सकते हो 5 बॉलर मिला के, लेकिन वो जो 3 बॉलर आपके मिला के 8 हो रहे हैं, लेकिन वो 8 में वो ताकत नहीं दिखती, क्योंकि ये जो 3 कमज़ोर कड़ी हैं। तो ये 3 कैसा खेलते हैं ये डिपेंड करेगा दिल्ली कैपिटल्स कैसा खेलेगी, क्योंकि अगर इन सब ने अच्छा खेला तो फिर दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छा करेगी और प्लेऑफ्स में आएगी। और भाई कोच कौन है इनके, दादा हैं सौरव गांगुली, तो आपको पता हो वैसे इतनी हार मानने वाले जल्दी नहीं है। अब हम दोस्तों बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के फिक्स्चर्स के बारे में। तो दिल्ली का अपना ये है कि आपको पता है ये जो मैच है वो अपना आपको पता है कि पंजाब से है, जो मैं आपको पता ही है। इसके बाद मैं बात करूं 28 तारीख को जयपुर में मैच है राजस्थान से, इसके बाद 31 को चेन्नई से विशाखापट्टनम में, जो उनका होम ग्राउंड माना जा रहा है दिल्ली का। इसके बाद अपना मैं बात करूं 3 तारीख को KKR से है, वो भी विशाखापट्टनम में, और 7 तारीख को मुंबई की, क्या दुनिया हिला पाएंगे मुंबई में, देखने वाली बात होगी। तो अभी 5 मैच ही अनाउंस हुए तो उन्हीं की बात होगी। अब हम दिल्ली कैपिटल्स की हिस्ट्री की बात करते हैं। दोस्तों, अमित मिश्रा ने 110 विकेट इस टीम के लिए लिए हैं। इस टीम के जो कप्तान है ऋषभ पंत 2,838 रन बनाए हैं, लेकिन बात यह आ जाती है लगभग 16 सालों में टीम 6 बार प्लेऑफ्स में आई है। पहली बारी एंट्री मारी थी फर्स्ट आए थे, दूसरी बारी एंट्री मारी थी तो फर्स्ट आए थे, हालांकि पहली बार फर्स्ट नहीं आए थे, फोर्थ आए थे, लेकिन बहुत अच्छा खेले थे। लेकिन दोनों बार सेमीफाइनल में हार गए, और यहीं से दिल्ली को कुछ हो गया कि पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। 2010 में जल्दी बाहर हो गए, फिर 11 में सहवाग की बड़ी कमज़ोर टीम थी, 12 में सहवाग ने 5 मैचों में 5-6 50 मारी लेकिन प्लेऑफ्स में फ्लॉप हो गए और फिर हार गए। फिर 13 तो बहुत ही ख़राब गया, सहवाग का भी ख़राब साल था। फिर 14-15-16-17 लग गया टाइम टीम बनाते हुए, 18 में गंभीर आए वापस, वो भी कुछ नहीं कर पाए, बाहर बैठे। फिर श्रेयस अय्यर की जो दिल्ली कैपिटल्स थी, जिसमें अश्विन थे, जिसमें मैं बात करूं ऋषभ पंत थे, और साथ ही साथ मैं बात करूं शिखर धवन थे, और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे अक्षर पटेल, तो अभी भी हैं नॉर्डजी अभी में रबाडा। और ये टीम आप देखिए 2019 के प्लेऑफ्स में 3rd आई और 2020 के फाइनल में आ गई, फिर 21 में अपना 4th आई, और ग्रुप स्टेज में तो फर्स्ट भी आई थी 2021 में, लेकिन फिर वही हुआ, आपने अपने खिलाड़ी चेंज कर दिया। अब अगर आप बात करें दोस्तों 2008 से ही एंड्रयू फ्लिंटॉफ, ग्लेन मैग्रैथ, वीरेंद्र सहवाग, तिलक रत्न दिलशान, गौतम गंभीर, पॉल कॉलिंगवुड, एबी डिविलियर्स, आशीष नेहरा, अमित मिश्रा, साथ ही साथ उसके हम बात करें तो महिला जयवर्धने, रॉस टेलर, केविन पीटरसन, JP ड्यूमिनी, एंजेलो मैथ्यूज, और अगर हम और आगे बात करें मॉर्ने मोरकल, इरफान पठान, ना जाने कितने ऐसे खिलाड़ी हैं। और अब ये जो टीम इतनी अच्छी बन गई थी, गंभीर पर आपने तब भरोसा नहीं जताया जब वो आपकी टीम में आए थे अपने बुरे टाइम में, यार भाई मैं आपको जिताना चाहता हूँ, लेकिन आपने उनको ही बाहर बिठा दिया। और अगर हम साथ ही साथ और भी बात करें तो जो आप अभी करंट खिलाड़ी
खिलाड़ियों देखें, शिखर धवन को आपने हटा दिया, अगर हम बात करें आपने अश्विन को हटा दिया, आपने रबाडा को हटा दिया, यही सब खिलाड़ी थे। अय्यर को आपने जाने दिया कप्तानी की वजह से, पनीश श्रेयस अय्यर का थोड़ा कप्तानी के लिए रहा हो भाई कि भाई उनको रहा होगा कि यार मुझे कप्तानी मिल जाए, लेकिन फिर भी यार ये आपकी एक बहुत बड़ी कमी रही। इसलिए आप मात्र 6 बारी प्लेऑफ्स में आए हो जिसमें भी ये टीम आपको लगातार 3 बार लगी, तो ये जो आपने काम करा है बहुत बड़ा गलत करा है, क्योंकि ज़हीर खान, रिकी पोंटिंग, सौरभ गांगुली, इन्होंने बहुत अच्छी से टीम आई थी। अब बताइए ज़हीर खान भी इस टीम में खेली है लेकिन तब भी कुछ नहीं हो पाया, तो सारी बात है। अब दोस्तों कॉमन क्या है इस टीम में, आप देखिए वीरेंद्र सहवाग इन दोनों टीमों के लिए खेले हैं, युवराज सिंह खेले हैं, रविचंद्रन अश्विन खेले हैं, रबाडा खेले हैं, अक्षर पटेल खेले हैं, ग्लेन मैक्सवेल खेले हैं, तो ऐसे काफ़ी खिलाड़ी हैं जो दोनों टीमों के लिए खेले हैं, इरफान पठान खेले हैं, तो काफ़ी कॉमन चीज़ें इन दोनों टीमों में, और दोनों ही कभी आईपीएल नहीं जीती हैं। अब अगर एक टीम 6 बार प्लेऑफ्स में आई है तो दूसरी पंजाब तो भाई 2 ही बार प्लेऑफ्स में आई है, 2008 में आई थी जब युवराज सिंह बहुत अच्छा खेले थे, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे ही रहा, 14 में इतनी अच्छी टीम बनी थी, लेकिन 14 की टीम से अगर हम पहले की बात करें तो युवराज सिंह, स्टुअर्ट ब्रॉड, इरफान पठान वाली टीम वो बहुत अच्छी थी, लेकिन पहली बार प्लेऑफ्स में आके बहुत अच्छा खेली लेकिन धोनी की चेन्नई से हार गई, उसके बाद लास्ट भी आई। फिर एडम गिलक्रिस्ट की पंजाबी बहुत अच्छी थी जिसमें डेविड हसी थे, एडम गिलक्रिस्ट खुद थे, शॉन मार्स तो दोनों टीमों में थे, पॉल वल 30 एक खिलाड़ी आए थे वो बहुत बढ़िया थे, तो बहुत ही अच्छी टीम थी। पीयूष चावला उसमें थे, लेकिन आप देखिए प्रवीण कुमार उसमें थे, और फिर आई जॉर्ज वेली की पंजाब, वीरेंद्र सहवाग, ग्लेन मैक्सवेल, जॉर्ज वेली, डेविड मिलर, रिद्धिमान साहा, इवन पुजारा ने बहुत अच्छा खेला था, अक्षर पटेल, और साथ ही साथ हम एक आध और भी कोई खिलाड़ी अगर भूल गए तो मुरली विजय, लेकिन आप देखिए वो टीम सारे मैच जीती, 14 में से लगभग 11-12 मैच जीती थी जो कि आज भी रिकॉर्ड है, 3 बार 200 चेस करे एक ही आईपीएल में, जो कि मुंबई ने अभी बराबरी करी थी। प्लेऑफ्स में आई वहाँ पे भी सहवाग ने 109 रन मारे थे, 122 सॉरी, और रैना ने 87 मारे, चेन्नई को आपने हार दिया, और फाइनल में भी केकेआर के सामने 200 रन बना के आप जीत गए थे और लास्ट में हार गए, और फिर पंजाब वहाँ से कभी नहीं उठा 15 से लेकर 2023 तक, आज तक नहीं आया। इसके बाद भी मुरली विजय कप्तान बने वो कुछ नहीं कर पाए, डेविड मिलर कप्तान बने, ग्लेन मैक्सवेल कप्तान बने, अच्छा फिर आई क्रिस गेल, राहुल और मयंक की तिकड़ी, बहुत अच्छा खेले लेकिन वही लास्ट मैच से पहले बाहर हो जाते थे, गेल बहुत अच्छा खेले, मयंक बहुत ही बढ़िया खेले, केएल राहुल बहुत ही अच्छा खेले, बीच में अश्विन आए तो थोड़ा सा आपको मैंने जो अश्विन की बायोग्राफी में सुनाया था कि कप्तानी अच्छी नहीं करी उनको बाहर कर दिया, तो यार आप सभी को ही बाहर कर देते हो, आप युवराज को बाहर कर देते हो, आप गिलक्रिस्ट, शॉन मार्श को बाहर कर देते हो, आप सहवाग को बाहर कर देते हो, आप मिलर और मैक्सवेल को बाहर कर देते हो, साथ ही साथ मैं बात करूँ तो जॉर्ज बेली आपके कप्तान थे, अश्विन आपके कप्तान थे, राहुल जिसने आपके लिए 2548 सबसे ज़्यादा रन बनाए, पीयूष चावला जिसने आपके लिए सबसे ज़्यादा 84 विकेटें ली, इन सभी को आपने बाहर कर दिया, मयंक आपके कप्तान थे 2022 में उनको आपने हटा दिया, तो वही वाली बात है कि भरोसा नहीं आप जगाते, और जब आप भरोसा नहीं जगाते हो ना तो फिर प्लेयर को भी उम्मीद नहीं रहती कि मैं कुछ अच्छा करूँगा। तो अब दोस्तों हम इनकी प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो बहुत एक्साइटेड है सभी अपने गब्बर को देखने के लिए, क्योंकि अब इंडियन टीम में तो नहीं खेलते हैं, तो ओपनिंग करेंगे प्रभसिमरन सिंह जी साथ में ओपनिंग करेंगे, बहुत ही अच्छे विकेटकीपर हैं, 3 पे अथर्व टैडी जी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, 4 पे लियम लिविंगस्टन बड़े अच्छे छक्के मारते हैं, 5 पे सिकंदर रजा, 6 पे जितेश शर्मा, फिर अपना ये है कि सैम करन आएंगे, 7 पे 8 पे रबाडा, फिर अपना हर्ष पटेल, राहुल चेर, हरप्रीत बरार। तो दोस्तों अगर हम इस टीम की बात करें तो टीम बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूं ऊपर से शिखर बहुत अच्छा खेलेंगे, अथर्व टैडी और प्रभसिमरन सिंह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, लियम लिविंगस्टन बहुत अच्छे हिटर हैं, सिकंदर रजा हिटिंग भी कर लेते हैं, संभाल के खेल लेते हैं, जितेश शर्मा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं, इसके बाद 7 पे सैम करन भी बल्लेबाजी कर लेंगे, इवन 8 पे हर्षर पटेल और 9 पे रबाडा भी कर लेंगे, हाँ ये जरूर है कि अर्शदीप सिंह, राहुल चेर नहीं कर पाते लेकिन हरप्रीत बरार आ जाएंगे, तो आप स्पिन डिपार्टमेंट देखिए, राहुल चेर, हरप्रीत बरार और साथ ही साथ मैंने जो तीसरे स्पिनर की बात करी, तो दोस्तों कितनी बढ़िया आपको ये टीम दिख रही होगी, बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि आप देखिए पेस अटैक तो यार इससे अच्छा क्या होगा, सैम करन है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, इंडिया के अपना अर्शदीप सिंह हो गए, हर्षल पटेल को विकेटें मिलती हैं जो मैंने आपको बहुत बार पहले भी कह रहा वाडा, तो 4 तेज गेंदबाज हैं, 2 स्पिनर हैं हरप्रीत बरार और राहुल चेर, और यही बात खत्म नहीं होती, 6 गेंदबाजों के बाद लियम लिविंगस्टन भी गेंद डालते हैं और डालेंगे और सिकंदर रजा भी डालेंगे, तो 8 गेंदबाज इस टीम में, सिर्फ अगर आप जितेश को हटा दें, आप अथर्व टैडी, प्रभसिमरन सिंह जो कि कीपर है और धवन कप्तान को हटा दें, तो बहुत ही अच्छी टीम नज़र आ रही है, लेकिन फिर वही सवाल है क्या वही होगा, क्या वही 9-10 पे लास्ट पे आएगी, या जो हमेशा इस टीम के साथ होता है 5-6 पे फिनिश करती है, लास्ट मैच में 2 पॉइंट चाहिए होते हैं जो हार जाती है, या फिर जो होता है कि लास्ट मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीतना होता है और इंच से जीत पाती है, या फिर लास्ट मैच बड़े मार्जिन से जीत के भी होता है अरे यार इंच से रहेगा एक मैच और जीत जाते, तो क्या पंजाब की किस्मत बदलेगी या दिल्ली की किस्मत बदलेगी ये देखने वाली बात हुई, क्योंकि दोनों के बीच जो बैटल हुई है वो 32 मैच हुई है जिसमें 16 मैच पंजाब जीते 16 मैच दिल्ली जीते, तो दोनों ही टीमें बराबर हैं, तो देखने वाली बात होगी क्या होगी, क्या इस बार किसी की तकदीर बदलेगी, होगी मैं नहीं कह रहा हूँ कि जीते ही, लेकिन अगर पंजाब प्लेऑफ्स में भी आता तो उनकी बहुत बड़ी जीत होगी, और यू नेवर नो क्या पता भाई वो थर्ड आ जाएं या अपना फाइनल में भी आ जाएं या क्या पता जीती जाएं, क्योंकि टीम तो बहुत अच्छी है, कप्तान धवन भी अच्छा है, साथ ही साथ वातो ऋषभ पंत कप्तान है, तो दोनों ही टीमें बहुत बड़ी हैं, सारी बात होगी पंजाब के फिक्चर्स की बात करें तो ज़्यादातर भी भारी हैं, इसके बाद अपना 25 को RCB से बेंगलुरु में, 30 को लखनऊ से लखनऊ में है, और फिर 4 तारीख को गुजरात से गुजरात में, बाकी जब फिक्चर्स आएंगे तो मैं आपको बता ही दूंगा, तो वही जो मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें कॉमन है दोनों ही टीमें प्लेऑफ्स में, थोड़ा हालांकि दिल्ली 6 बार
भी आई है, लेकिन पंजाब तो भाई दो बार ही आई है और कभी ही दोनों जीते नहीं है। दोनों एक बार फाइनल में आए और दोनों ही बंदे अपना हार गए। साथ ही साथ मैंने बताया सहवाग, युवराज, इरफान पठान, शिखर धवन, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, और बाहर की भी बात करें स्टार खिलाड़ी मैंने आपको बताया नाम मैक्सवेल का या फिर कगिजो रबाडा का, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं तो जो दोनों टीमों के लिए खेले हैं। लेकिन वही वाली बात है कि दोनों को एक वक्त के बाद निकाल दिया और भरोसा नहीं जगाएगा, चाहे फिर वो कप्तान राहुल, कप्तान अश्विन हो, या कप्तान बेली हो, या कप्तान गिलक्रिस्ट हो, या इधर से कप्तान सहवाग हो, कप्तान जयवर्धे दोनों टीमों के लिए खेले हैं श्रीलंका के लिए, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा दोनों क्रिकेट खेलेंगी और जिसकी भी दोनों फेवरेट टीमें हैं अपना वो बहुत ही अच्छा करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट दिल्ली और साथ में धूम पंजाबी, झूम पंजाबी, क्योंकि प्रीति जंटा की वजह से इस टीम को सपोर्ट करने का एक और मन करता ही है कि हायर बहुत अच्छा करे। और वहाँ तो अपना आपको पता है सौरव दादा गांगुली हैं, तो उनको भी बेस्ट विशेस। बाकी अगर हम बात करें तो मैच अच्छा होगा और मुझे लगता है कि इस मैच में भी वही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि अगर दिल्ली पहले बल्लेबाजी करे तो 180 प्लस लगाए, 180 प्लस लगाएगी तो मैच ज़रूर जीतेगी। पहले गेंदबाजी करे तो 170 के अंदर रोके, और सेम यही पंजाब के लिए भी भाई यही है कि अगर आप पहले गेंदबाजी करते हो तो अपना कुछ 165-170 तक आप रोक सकते हो, और अगर आप खुद बल्लेबाजी करो तो 175 प्लस लगा लो, आप मैच जीत जाओगे। बाकी देखते हैं कैसा रहता है मैच, बात करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ, हैदराबाद और KKR के मैच के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत।